लोहाघाट से भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने उन्हें दिए गए नोटिस का जवाब प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को सौंप दिया है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कार्यस्थगन की सूचना देकर अपनी ही सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करने पर पार्टी ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में कारण बताओ नोटिस भेजा था। विधायक पूरन सिंह फर्त्याल टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग के टेंडर में गड़बड़ी को लेकर अपनी ही सरकार से खफा चल रहे हैं। 23 सितंबर को विधानसभा के एक दिनी मानसून सत्र में विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने इस सड़क के मसले पर कार्यस्थगन की सूचना दी थी। हालांकि यह स्वीकार नहीं हुई, लेकिन इससे विपक्ष कांग्रेस को सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए एक और मुद्दा जरूर मिल गया। शनिवार को विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार की ओर से भेजे गए नोटिस में उल्लेख किया गया कि विधायक पूरन सिंह फर्त्याल द्वारा मीडिया में दिए जा रहे वक्तव्यों से सरकार और संगठन की छवि धूमिल हो रही है। सत्ता पक्ष का विधायक होने के बावजूद वह विधानसभा में कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाए, यह व्यवहार अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। नोटिस में कहा गया है कि इस कारण क्यों न उनके विरुद्ध पार्टी संविधान के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया, लेकिन उन्होंने 2 दिन बाद ही सोमवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत को जवाब सौंप दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने विधायक पूरन सिंह फर्त्याल का जवाब मिलने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि आगामी 4 अक्टूबर को देहरादून में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक के दौरान इस मसले पर निर्णय लिया जाएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।